मेरे साथ फिलहाल मौजूद है भाई लोग जो अक्षय कुमार के फैंस है और दबंग थी को लेकर उनसे जाना चाहेंगे क्योंकि आखिर उनके मन में क्या है ये सभी जाना चाहेंगे। और भाई जान आप तीनों से जाना चाहता हूँ, दबंग थी का लाइफ टाइम कलेक्शन आप तीनों के हिसाब से कौन से रेंज से कौन से रेंज तक हो सकते हैं, मतलब 300, 350 या कौन सा एक रेंज आपको लगता है या कितने करोड़ से कितने करोड़ के बीच में? जैसे मैंने बताया दबंग का फिलहाल तो क्रेज़ है नहीं, उसका ट्रेलर वगैरह था वो उतना अट्रैक्टिव था नहीं, तो बज़ है नहीं उसका, तो ऐसा लग रहा है 150 to 200 करोड़ के बीच में हो जाएगा खत्म। अच्छा अच्छा, आपकी राय भाई क्या है? सेम 200 करोड़ तक ही। अच्छा, 200 करोड़ पॉसिबल लग रहा है क्योंकि क्रिसमस वीक है और ओपनिंग के 3 डेज 20+ तो मिलेंगे और एक क्रिसमस के दिन 20+ या 30+ मिल सकता है। बस के हिसाब से 200 या अंडर 200 लग रहा है, लेकिन अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा, जैसे हाउसफुल 4 का ओपनिंग 17 to 19 करोड़ ही था, लेकिन और ऊपर से प्री दिवाली रिलीज थी, फिर भी उसका वॉर्म अच्छा था और मास में अच्छा उसका पब्लिसिटी हुई थी, उस हिसाब से अगर दबंग 3 का रहा, इस बार थोड़ा टफ लग रहा है क्योंकि नेक्स्ट वीक की गुड न्यूज़ है तो ऑप्शन है बहुत अच्छा, क्योंकि ऑप्शन बहुत अच्छा, ऑडियंस के पास ऑप्शन नहीं रहता ना तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऑप्शन है तो देखते हैं, अगर दबंग 3 इज गुड देन सब देखेंगे। एक चीज सवाल ये है कि कन्नड़ वर्जन तमिल और मलयालम, सॉरी तमिल और तेलुगु वर्जन रिलीज हो रही है दबंग 3, तो क्या 300 करोड़ किसी भी हाल में लग रहा है आपको? नहीं, वॉर भी हुई थी सारी लैंग्वेज में रिलीज, पर वॉर कुछ 4 to 5 करोड़ ही हुआ ओवरऑल, मतलब बाकी जितनी लैंग्वेज में हुई थी ना, और वैसे बहुत सारी मनी करने का हुई और वैसे होती है, लेकिन जैसे जैसे बॉलीवुड वाले साउथ इंडियन फिल्म को रिजेक्ट करते हैं और वैसे ही साउथ की ऑडियंस हिंदी फिल्म को रिजेक्ट करती है। हाँ, माना मैंने, ये इस बार कन्नड़ वर्जन को टारगेट किया जो है जहां से किचन से बिलोंग करते हैं, हाँ, वो एक पैकेज को 300 के ऊपर ले जा सकता है कि क्या लगता है आपको? हो सकता है कुछ एक मिले, जैसे 5-10 करोड़ का जो मार्जिन है ना, शायद कन्नड़ का मार्केट बहुत छोटा है फर्स्ट ऑफ ऑल, वहाँ पे अभी KGF ने एक बेंचमार्क बनाया तो कीचा सुबित का मार्केट वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन इस बार ASN करके भी आ रही है कन्नड़ फिल्म रक्षित सेट्टी की, जिसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और वो आ रही 27 को गुड न्यूज़ के साथ, तो वो जो साउथ का मार्केट है वो खाएगा, और अगर कीचा सुदीप का अगर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया तो शायद हो सकता है कि कन्नड़ मार्केट में हो, लेकिन चांसेस नहीं है। थैंक यू दोस्तों आप लोग का बात करने के, थैंक यू वेरी मच।